हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस ये लास्ट टॉपिक है। तो हमने कोल के बारे में भी जान लिया, हमने पेट्रोलियम के बारे में भी जान लिया, अब हम बात कर लेंगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है, जैसे जो पेट्रोलियम है वो हमें क्रूड फॉर्म के अंदर मिलता है, मतलब जो पेट्रोलियम है वो ब्लैक कलर का होता है और वो बहुत ही क्रूड होता है, वो बहुत ही गाढ़ा होता है। तो हम जो भी पेट्रोल यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर, हम जो भी डीजल वेस्ट यूज़ में करते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर, वो तो इतने गाढ़े नहीं होते। तो हम कैसे उस पेट्रोलियम को डीजल के अंदर, कैरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पैराफिन वैक्स के अंदर, उसके अंदर हम पेट्रोलियम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ एक मटेरियल लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। तो हमने कोई एक मटेरियल ले लिया और हमने यहाँ पे कोई एक पाइप लगा दी। तो इस मटेरियल के अंदर अगर हम यहाँ से वो क्रूड ऑयल डालेंगे, अगर हम यहाँ से पेट्रोलियम डालेंगे, तो ये जो पाइप है इसके अंदर से जो भी पेट्रोलियम है वो इस बीकर के अंदर चला जाएगा। इसको आप कुछ भी मान लेना, बीकर मान लेना या फिर कुछ और मान लेना, जो यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर पेट्रोलियम से अदर मटेरियल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम इसके अंदर डालेंगे उस पेट्रोलियम को, तो हम यहाँ से उसको हीट कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम है जो पाइप के द्वारा इसके अंदर जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से क्या होता है, हीट करने से वो वेपर बनता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो तो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो हीट करने से वो वेपर बन गया। अब जो वेपर बन गया वो अलग अलग टेम्परेचर के अंदर जाकर चिपकता है, जैसे जो 400 डिग्री सेल्सियस है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर जो भी रेसिड्यू बच जाता है, मतलब जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, ये सब बनते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो पेट्रोलियम के कुछ वेपर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम के अंदर जाके चिपक जाएगी, और कुछ जो वेपर्स है वो कहाँ पर चिपक जाएगी, वो 250 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम के अंदर जाके चिपक जाएगी। तो ऐसे जो वेपर है वो अलग अलग कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है। तो जो डीजल होता है उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो डीजल है उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको 250 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। तभी तो हम जब कार स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो कार होती है वो कुछ ही देर के अंदर गर्म हो जाती है, जब हम उसको चलाते रहते हैं तो। लेकिन जो भी डीजल होते हैं जो भी हमारे डीजल वाली व्हीकल्स होते हैं वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते, क्योंकि जो डीजल होता है उसे गर्म करने के लिए, उसे जो डीजल होता है उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो डीजल होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक वो जलना स्टार्ट होता है, लेकिन जो पेट्रोल है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। जब हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो जो वेपर्स है वो अलग अलग कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है। कुछ वेपर जो है जो 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है वो इस कॉलम के अंदर इस साइड से बाहर निकल जाती है, तो उन्हें हम फ्यूल गैस बोलते हैं। जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर जो भी गैस यूज़ में की जाती है वो एलपीजी गैस होती है। तो जो एलपीजी गैस होती है वो पेट्रोलियम से बनती है। हम इस पाइप के अंदर पेट्रोलियम को डालते हैं और जो पेट्रोलियम को जब हम हीट करेंगे तो वेपर बनेगा। जो वेपर है वो अलग अलग कॉलम्स के अंदर जाके चिपक जाता है। तो जो भी 40 डिग्री सेल्सियस से कम वाला होता है, मतलब जो वेपर है जो कॉलम को, ये कॉलम है 40 डिग्री सेल्सियस से कम वाला है, तो कुछ वेपर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है। तो हम उसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उसको हम हमारे एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर यूज़ में लेते हैं। फिर जो पेट्रोल होता है उसे 440 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक का
टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जो कुछ वेपर्स है वो यहाँ पे जाके चिपक जाती है 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक, और कुछ वेपर जो है वो कैरोसिन वाली कॉलम में, कैरोसिन ऑयल को बनने में 170 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक कितने टेम्परेचर पे बर्न होता है वो 170 डिग्री सेल्सियस, जो 170 डिग्री सेल्सियस है उससे 250 डिग्री सेल्सियस तक वो जलना शुरू होता है। तो जो कैरोसिन है वो 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, और जो डीजल ऑयल है 250 डिग्री सेल्सियस टू 360 डिग्री सेल्सियस, और फिर जो रेसिडुअल ऑयल है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। तो ये जो अलग अलग कॉलम्स के अंदर जाके जो वेपर इकट्ठा हुई है वो तो इकट्ठा जो वेपर्स है वो उस कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है, जिस वेपर को जितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसी कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है, जिसको कम टेम्परेचर चाहिए तो वो किसी और कॉलम के अंदर जाके चिपक जाती है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो तो हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है, लेकिन जो वेपर्स है अब वो तो गैस बन गई होगी, लेकिन जब हम वेपर्स को, जैसे मान लो कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के ऊपर जो हम प्लेट रखते हैं तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो प्लेट है उसके ऊपर पानी चिपक जाता है, पानी जो गैस निकलती है वो उसका पानी बन जाता है, तो जब हम उसको ठंडा करते हैं फिर से तो उसके अंदर से जो पानी की बूंदें हैं वो निकलने लगती है, मतलब जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम्स होता है वो वेपर होता है, जब वो वेपर ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो जो पेट्रोल है वो सभी बाद में ये सभी लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का। तो पेट्रोल के यूजेस क्या होते हैं, पेट्रोल को हम हमारे कार्स के अंदर इन सभी के अंदर यूज़ में लेते हैं, कैरोसिन ऑयल को जो एरोप्लेन्स होती है उनके अंदर कैरोसिन ऑयल का यूज़ में किया जाता है, डीजल ऑयल का हमारे जो डीजल वाली बसेस होती हैं जो कार्स होती हैं उनके अंदर यूज़ में लिया जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का हम कहाँ पर यूज़ में लेते हैं, तो हमारा जो पंखा होता है अगर वो आवाज़ कर रहा होता है तब हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, या फिर जो हमारा दरवाज़ा होता है वो आवाज़ करने लगता है तब भी हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, हमारी जो साइकिल की चेन होती है उसके अंदर भी हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, या फिर कोई भी व्हीकल होता है उन सभी के अंदर हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, हम जो आवाज़ निकलती है जो घिसाव होता है उसको कम करने के लिए, उसके अंदर चिकनाहट पैदा करने के लिए, तो हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर, या फिर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पैराफिन वैक्स, जो हमारी वैसलिंस होती है वो सभी पैराफिन वैक्स से मिलके बनी होती है, और एस्फेलेट, तो ये सभी चीज़ें बनती है हमारे पेट्रोलियम से, तो पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमने बात कर ली फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, इसी के साथ हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।